इंसान की मृत्यु होती है। यूं कहें कि डेथ से 4 घंटे पहले इंसान के साथ क्या घटता है? इंसान के साथ 4 घंटे पहले संपूर्ण जीवन की फिल्म दिखाते हैं। स्वयं विष्णु भगवान आते हैं और संपूर्ण जीवन का विवरण हमें जो है एक दिव्य ज्योत प्रदान करते हैं। यूं कहें कि परमात्मा हमें जो संपूर्ण जीवन में हमें ऐसी आंखें नहीं देते, लेकिन जब हमारा अंत समय आता है तो ऐसी आंखें प्रदान करते हैं जिससे हमें अपने अगले पिछले जन्मों का सबका विवरण सामने दिखाई देने लगता है। और फिर परमात्मा से हम लोग क्षमा मांगते हैं कि हे परमात्मा, हमें माफ कर दो। लेकिन परमात्मा कहते हैं, यह तो तेरे कई जन्मों का लेखा जोखा है। हर जीवन में तू आता है और यही कहता है कि मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर दो, और मैं तुझे फिर वहीं भेज देता हूं नरक भोगने के लिए पृथ्वी लोक पर। तुझे भेजा तो था परमात्मा का नाम फैलाने के लिए, परमात्मा का अंश बनने के लिए, और तू यहां पर लालच मोह में आकर मुझे ही भूल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो उसकी आंखों में से आंसू आते हैं। वह आंसू किस चीज के होते हैं? इंसान के पछतावे के आंसू होते हैं। लेकिन क्या फायदा? जीवन में अच्छे कर्म किए नहीं तो परमात्मा के मरने के टाइम पर परमात्मा से माफी मांगने से क्या परमात्मा हमारे दुखों को, हमारे किए गए पापों को माफ कर देते हैं? जो छल कपट हम लोग सारा जीवन करते हैं, क्या परमात्मा उससे खुश होते हैं? नहीं। तो जीवन को सफल बनाइए। जीवन को सफल जब तक नहीं बना पाएंगे, जब तक आपके जीवन में सरलता नहीं आएगी। सरल भाव से भगवान को याद कीजिए। अगर प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। अंत समय में आपको भगवान के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत समय में भगवान आपको बीज मंत्र देके वैकुंठ लोक की प्राप्ति करवाएंगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे, भगवान का किसी भी धर्म से हैं आप, अपने धर्म का प्रचार कीजिए। और परमात्मा के अनेकों नाम हैं। अनेकों नामों में से चाहे ओम नमः शिवाय बोलिए, चाहे ओम नमो नारायण, चाहे राम राम, भजो श्री राम का नाम, मेरे प्रभु करेंगे कल्याण।